अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और निहायत ही रहम करने वाला है। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दैट इज़ ऑन कुरान उर्दू ट्रांसलेशन सूरह 60 अल मुमतहाना द वुमेन हु इज़ एग्जामिंड। बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, ये 5 मिनट्स का सूरह है ये, एंड समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना और उस पर अमल करना। तो आप ज़रूर समझिएगा उसको एंड उस पर अमल कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं। और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हां, इब्राहिम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार, हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोजे आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगरदानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है लायक हम्दो सना है। अजब नहीं कि अल्लाह तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो दोस्ती पैदा कर दे, और अल्लाह कादिर है और अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सुलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ तुमको दोस्ती करने से मना करता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो लोग ऐसों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। मोमिनों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें वतन छोड़कर आएं तो उनकी आजमाइश कर लो, और अल्लाह तो उनके ईमान को खूब जानता है। सो अगर तुमको मालूम हो कि वो मोमिन है तो उनको कुफ्फार के पास वापस न भेजो कि न ये उनको हलाल है और न वो इनको हलाल हैं, और जो कुछ उन्होंने इन पर खर्च किया हो वो उनको दे दो, और तुम पर कुछ गुना नहीं कि इन औरतों को मेहर देकर इनसे निकाह कर लो, और काफिर औरतों के साथ ताल्लुकात निकाह बाकी न रखो यानी उन्हें कुफ्फार को वापस दे दो, और जो कुछ तुमने उन पर खर्च किया हो तुम उनसे तलब कर लो, और जो कुछ उन्होंने अपनी औरतों पर खर्च किया हो वो तुमसे तलब कर लें। ये अल्लाह का हुक्म है जो तुम में फैसला किए देता है, और अल्लाह जानने वाला है हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई तुम्हारे हाथ से निकलकर काफिरों के पास चली जाए और उसका मेहर वसूल न हुआ हो, फिर तुम उनसे जंग करो और उनसे तुमको गनीमत हाथ लगे, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उनको इस माल में से इतना दे दो जितना उन्होंने खर्च किया था, और अल्लाह से जिस पर तुम ईमान लाए हो डरते रहो। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें इस बात पर बयात करने को आएं
कि न तो अल्लाह के साथ शिर्क करेंगी, न चोरी करेंगी, न बदकारी करेंगी, न अपनी औलाद को कत्ल करेंगी, न अपने हाथ पांव के दरमियान कोई बोहतान बांध लाएंगी और न नेक कामों में तुम्हारी नाफरमानी करेंगी। तो उनसे बैत ले लो और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। मोमिनों, उन लोगों से जिन पर अल्लाह गुस्से हुआ है दोस्ती न करो, क्योंकि जिस तरह काफिरों को मुर्दों के जी उठने की उम्मीद नहीं, इसी तरह इन लोगों को भी आखिरत के आने की उम्मीद नहीं।